हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर पावर शेयर के बारे। इसका पूरा नाम है रिलायंस पावर लिमिटेड और इस कंपनी के ऑनर है, ये मालिक है अनिल अंबानी। आज हम लोग आर पावर शेयर का चार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रिटर्न, शेयर होल्डिंग, टारगेट रिटर्न, स्टॉप लॉस और फंडामेंटल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस टाइप की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे रिटर्न से और एंड करेंगे फंडामेंटल्स पे। आप लोग वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं रिटर्न पे। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग रिटर्न पे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कोरोना काल के बाद सारे रिकवर हो चुके हैं, सारे के सारे पॉजिटिव में जा चुके हैं। वीकली रिटर्न देख लीजिए, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, बस एक नेगेटिव रिटर्न है वो भी 5 ईयर में, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का है, थोड़ा लंबा समय लेगा, हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब और इस पर एक गुड न्यूज़ भी है जिसका डिस्कशन हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स पे। तो फ्रेंड आ चुके हैं हम लोग शेयर होल्डिंग के पास, यहाँ आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 24.99% की है, मतलब लगभग 25% की, जो कि बहुत ही बेकार है शेयर के लिए होल्डिंग के नज़रिए से। FII की बात करें तो 7.34% की होल्डिंग है, DII की बात करें 3.19% की होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग 64.48% की है। तो हमने अभी तक शेयर होल्डिंग्स और रिटर्न देखा, अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे चल के जानेंगे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग आर पावर के चार्ट पे। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग डे कैंडल यूज़ करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए वीकली या मंथली कैंडल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट टर्म पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 18.60 रुपये का, सेकेंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 21.40 रुपये का, और थर्ड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 24 रुपये का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं इसका स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 15.80 रुपये का, इसका सेकेंड स्टॉप लॉस होगा 14.70 रुपये का, और इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 13 रुपये का। ठीक है फ्रेंड, इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 13 रुपये का। अब हम लोग लॉन्ग टर्म पे बात करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए वीकली या मंथली कैंडल लेंगे। मैं लेता हूँ वीकली, आप लोग मंथली भी ले सकते हो। तो लॉन्ग टर्म पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 22.55 रुपये का, सेकंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 30.80 रुपये का, और थर्ड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 44.85 रुपये का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा वो होगा 15.80 रुपये का, इसका सेकेंड स्टॉप लॉस होगा 11.65 रुपये का, और इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 8.50 रुपये का। ठीक है फ्रेंड, तो हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस को जाना। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल्स पे, जहाँ हम लोग ओवरव्यू, इवेंट और न्यूज़ वगैरह जानेंगे। जो न्यूज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग फंडामेंटल्स पे। यहाँ देख सकते हैं इसका पूरा नाम, ये एक स्मॉल कैप का शेयर है, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। मार्केट कैप की बात करें 6462 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बाउंड वीक हाई की बात करें 25 रुपये का बाउंड वीक का हाई है, बाउंड वीक लो की बात करें 9.05 रुपये है। मंथली रिटर्न देख सकते हैं 8% से ज़्यादा है, ईयरली रिटर्न देखिए 15% से ज़्यादा है, और उसके बाद पी रेशियो, पी बी रेशियो भी आप लोग देख सकते हैं। शेयर होल्डर्स की बात करें 30.46 लाख शेयर होल्डर्स है। अब हम लोग चलते हैं इवेंट्स पे। आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग इवेंट्स पे। इसका इवेंट जो है देखिए 23 अगस्त को अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, अब हम लोग एक बार न्यूज़ देखते हैं जो मैं आपको इंतज़ार करवा रहा था। तो फ्रेंड आ गया है, देखिए रिलायंस कॉमर्शियल टू इन्फ्यूज ₹1043 करोड़ इन रिलायंस इंफ्रा रिलायंस पावर।
तो फ्रेंड इसका मतलब ये है कि रिलायंस इंफ्रा रिलायंस पावर उसमें 1,044 करोड़ रुपया अनिल अंबानी जो है इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा जो है वो रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर पे रिलायंस कॉमर्शियल 1,044 करोड़ रुपया लगाने वाली है। ये वही न्यूज़ है, ठीक है। आप लोग इसके अंदर जाके इसे आप पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि मैं पढ़ने जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इसे हिंदी में भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये बस झलक है, बाकी आपको खुद ही जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।